19 अप्रैल 2012 जब भारत ने पहली बार अग्नि 5 का परीक्षण किया और चाइना डर गया। चाइना ने यह मुद्दा यूएनओ तक ले गया कि भारत को ऐसी मिसाइल नहीं बनानी चाहिए, जिसमें रूस ने बीटू पवन लगा करके दोबारा भारत की मदद की। बात करें अग्नि 5 की, तो भारत के पास 1 से लेकर 5 सीरीज तक की अग्नि मिसाइल है, जिसमें सबसे ताकतवर अग्नि 5 को माना जाता है क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। यह 50,000 केजी के है और 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी को पार कर सकती है। वहीं यह 100 केजी को एक बार में ढो सकती है और 100 केजी न्यूक्लियर पावर भी ले जा सकती है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई यह मिसाइल को केवल पीएम के आदेश पर ही छोड़ा जाएगा, पर इसका एक और घातक वर्जन अग्नि 6 आ रहा है। बात करें अग्नि 6 की, तो इसकी डिजाइन कंप्लीट कर ली गई है और यह हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग में है। यह 8000 से 12000 किलोमीटर रेंज तक की होगी और इसका वजन 55 केजी से 70 केजी के आसपास होगा। यह 2 टन का न्यूक्लियर पावर ले सकती है और यह आईबीएम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगी, मतलब यह पृथ्वी के किसी भी कोने पर वार कर सकेगी। डीआरडीओ ने इस तरह की मिसाइल से साफ इनकार कर दिया है जिसकी रेंज 10,000 से ज्यादा हो, क्योंकि डीआरडीओ कहता है कि हमें 10,000 से ज्यादा रेंज की मिसाइल चाहिए ही नहीं। सोचिए, जिस इसरो को 36,000 किलोमीटर तक उपग्रह भेज सकता है, वो 10,000 रेंज की मिसाइल बनाना कितनी बड़ी बात है। इसीलिए डीआरडीओ कहता है कि हम पावरफुल और कम बजट में मिसाइल बनाने की तकनीक के बारे में सोच रहे हैं, ना कि ज्यादा रेंज के बारे में। जय।